हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सीरीज। इस सीरीज में हम बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उनके मटेरियल के बारे में, और आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। सबसे पहले, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी लेक्चर्स की PDF है आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या होती हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, क्या उसका यूज़ एज अ मटेरियल, और उस ब्रिक्स की क्या उनकी क्वालिटीज़ रहती हैं जो हमें देखनी चाहिए एक ब्रिक को जब हम बिल्डिंग में यूज़ करते हैं एज अ मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक क्या होता है और कैसे बनती है हाउस फॉर्म्ड। तो बेसिकली आपने देखा होगा ये रेड कलर की ब्रिक्स होती हैं, तो इसे हम ब्रिक कहते हैं। ये एक बेसिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल है। जितने भी आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी तो उसका बेसिक बिल्डिंग कोई अगर मटेरियल है, कोई स्ट्रक्चर है तो वो ब्रिक है। तो ब्रिक बाय ब्रिक जॉइन करके हम वॉल बनाते हैं और वॉल से ही पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिक जो है एक बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर मटेरियल है, राइट। तो इस ब्रिक को बनने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या है कि एक क्ले टाइप की क्ले जो रहती है उसको मोल्ड किया जाता है एक स्टेंसिल में, जैसे कि ये आप देख सकते हैं स्टेंसिल होता है, इसको मोल्ड किया जाता है। और इस मोल्डिंग में कुछ इस टाइप की शेप्स, जो ब्रिक की जो ओरिजिनली हम शेप देखते हैं, तो उस टाइप की शेप्स को इस टाइप से मोल्ड किया जाता है। और उसके बाद उसको कुछ देर के लिए धूप में सुखाया जाता है, मे बी 10 से 15 दिन तक के लिए उसे धूप में सुखाया जाता है। और उसके बाद उसको बेक किया जाता है। तो इसको बेक किया जाता है, बेकिंग प्रोसेस सेम वैसे ही होता है जैसे हम माइक्रोवेव में ओवन में केक को बेक करते हैं, जस्ट तो उसमें क्लीन होता है। तो जब ब्रिक को जो बेक करते हैं वो क्लीन बोलते हैं उसे। तो आपने इस टाइप से देखे होंगे, बहुत जगह पर ये देखने को मिल जाता है। तो इसमें ब्रिक की बेकिंग होती है और ब्रिक को फाइनली बेक किया जाता है। तो बेकिंग प्रोसेस इनका अप टू 2 डेज तक ये चल सकता है, ब्रिक का बेकिंग प्रोसेस। और जो ब्रिक जो रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आप देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में, लोकली अवेलेबल क्या सॉइल है वहाँ पर। तो क्योंकि जनरली ब्रिक सॉइल से ही बनाई जाती है, तो जिस लोकल एरिया में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो सॉइल का कलर है और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं पर्टिकुलरली सॉइल्स की, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जब ब्रिक का फाइनल कलर क्या आएगा। तो ये बेसिकली हर लोकल रीजन में आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर जो ब्रिक्स रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं। तो ये ब्रिक्स पर डिपेंड करता है और उसकी सॉइल पर डिपेंड करता है, लेकिन जो ओवरऑल जो बेसिक प्रोसेस रहता है ब्रिक बनाने का वो सेम ऐसे ही रहता है कि बेकिंग प्रोसेस रहता है। सन ड्राइड ब्रिक्स रहती है, इसे धूप में सुखा के बेक कर दिया जाता है, राइट। तो ये बेसिक ब्रिक्स की बात हुई। तो अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ ब्रिक। तो ब्रिक्स में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब किन चीज़ों से मिलकर एक कंप्लीट ब्रिक का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो ब्रिक्स में हमें मिलती हैं, और ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ एक आइडियल कंडीशन की बात करेंगे, जो आइडियल ब्रिक कंडीशन है कि अगर आइडियल ब्रिक है तो उसमें क्या इस टाइप की कंडीशंस रहेंगी। तो ये इंग्रेडिएंट्स जैसे सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं एक ब्रिक के अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा होता है वो सिलिका होता है, SiO2। ये अरे अराउंड 55% इसमें रहता है एक ब्रिक्स में, अगर इनके अकॉर्डिंग टू वेट बात किया जाए। उसके बाद एल्यूमिना 30%, आयरन ऑक्साइड 8%, मैग्नीशियम 5%, लाइम 1% और ऑर्गेनिक मैटर, एल्केलाई वगैरह ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं इसके अंदर, जो कि अप टू 1% रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर एक पर्टिकुलरली ये जो इनका रेशियो है एक आइडियल ब्रिक के लिए परफेक्ट रेशियो इसको कंसिडर किया गया है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ें होती है रेशियो में तो वो एक आइडियल ब्रिक के कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो ब्रिक तो देखते होंगे, अलग अलग टाइप की ब्रिक्स होती है, लेकिन अच्छी ब्रिक्स जिसे गुड ब्रिक्स कहते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक जिसे हम कह सकते हैं, वो इस कंडीशन में सूट करती है ब्रिक्स में। इसके बाद कुछ फर्दर क्वालिटीज़ की बात करेंगे ब्रिक्स में। तो उनकी क्वालिटीज़ को ही हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया था, जैसे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक। तो बेसिकली फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का मतलब यही है यहाँ पर। फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो बहुत अच्छी ब्रिक्स होंगी क्योंकि उसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी होगी, सेकेंड क्लास की उससे थोड़ी सी कम होगी, लेकिन और थर्ड क्लास की सबसे लो क्वालिटी ब्रिक्स होंगी। अब ये क्वालिटीज़ क्या हैं, ये जितनी सारी क्वालिटीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे, तो ये सारी क्वालिटीज़ अगर प्रेजेंट है किसी एक पर्टिकुलर ब्रिक्स में तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की कैटेगरी में
लाई करती है वो ब्रेक, राइट। तो ये इनकी क्वालिटीज पर ही डिपेंड करके इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास ब्रिक में क्लासिफाइड कर दिया गया। अगर स्टैंडर्ड साइज की बात करें, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, तो ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज है वो दो टाइप की ब्रिक्स हम देखते हैं अब नॉर्मली, एक ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड टाइप ब्रिक्स होती हैं और सेकंड होती है मॉड्यूलर ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज, जो साइज होता है ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज रहेगा वो 230x115x75 mm, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है ट्रेडिशनल ब्रिक्स का। और मॉड्यूलर ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज है वो है 200x100x100 mm, ये मॉड्यूलर ब्रिक का साइज है। तो ये साइजेस कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें उनके वेट्स की, तो पर्टिकुलरली जो एक वेट होता है ब्रिक का, तो 1 m³ अगर हम ब्रिक लेते हैं तो उसमें अराउंड 1800 kg का वेट आता है, और 1800 kg में 1 m³ में अराउंड 500 ब्रिक्स होती हैं। तो हम देख सकते हैं 1 m³ यानी कि 1 m लेंथ, 1 m ब्रेथ और 1 m हाइट का अगर हम कोई क्यूब बनाएं तो उसके अंदर जो टोटल वेट होगा वो होगा 1800 kg, 1800 kg, और उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स रहेंगी 500। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग और इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड के अकॉर्डिंगली हमें ये देखने को मिलता है। और उसके अंदर और फर्दर क्वालिटीज़ की बात करी जाए तो ब्रिक्स के अंदर कोई गैप्स नहीं होनी चाहिए, जैसे एक एयर बबल्स होते हैं तो वो नहीं होने चाहिए, कोई वॉइड्स नहीं होनी चाहिए और कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये तो बेसिक सी बात है, ब्रिक है तो क्रैक्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर। और एक बहुत मेजर पॉइंट है अगर ब्रिक के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, और आप जनरली हर जगह देखने को मिलता है और ये लाइफ प्रैक्टिकली आप पता कर सकते हैं कि ब्रिक गुड क्वालिटी की है यानी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक है या नहीं। तो अगर दो ब्रिक्स को आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उसमें एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है, मेटेलिक लाइक स्टील साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए अगर ब्रिक्स में, अगर वो साउंड प्रोड्यूस करती है वो ब्रिक, तो कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक है यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स हैं ये। अगर वो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है, मे बी इट्स अ सेकंड क्लास ब्रिक और मे बी थर्ड क्लास ब्रिक हो सकती है वो, लेकिन वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं हम लाइवली प्रैक्टिकल कर सकते हैं ब्रिक को रिस्पेक्ट में कि उसकी क्वालिटीज जब हम देखते हैं। इसके बाद कुछ ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और मेनली है उनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द ब्रिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रिक के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होती है। जैसे कि तीन क्लास की ब्रिक्स थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, तो थर्ड तीनों क्लास में जो सबसे कम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास ब्रिक वाटर एब्जॉर्ब करता है लेस देन 20% ऑफ देयर टोटल वेट। पर्टिकुलरली एक ब्रिक का जितना वेट होता है उस वेट का लेस देन 20% वाटर ब्रिक एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर इससे ज्यादा अगर ब्रिक वाटर एब्जॉर्ब कर रही है तो सेकंड क्लास में आएगा, यानी कि अप टू 22% अगर वो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है अपने वेट का तो वो सेकंड क्लास है, और अप टू 25% अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रही है ब्रिक अपने वेट का तो वो थर्ड क्लास ब्रिक है। तो यहाँ पर बात ये कहना चाहती बात ये है कि अगर कोई एक अच्छी ब्रिक है, गुड ब्रिक है, फर्स्ट क्लास की ब्रिक है, तो उसे कम से कम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना होना चाहिए। इसके बाद उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करी गई है कि एक पर्टिकुलर ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है 10 N/m², और ऐसे ही सेकेंड क्लास ब्रिक की 7.5 है और थर्ड क्लास ब्रिक की अप टू 3.5 N है। तो थर्ड क्लास ब्रिक तो बहुत ही वीक ब्रिक है, मतलब बहुत कमज़ोर ब्रिक है, और फर्स्ट क्लास ब्रिक है ये हर क्वालिटी में बहुत अच्छी ब्रिक्स होती हैं। ये इनकी जितने भी क्वालिटीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं तो इन सब में ये बेस्ट क्वालिटी की जो ब्रिक होती है इसे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है, इसीलिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स एक्चुअली ने कहा गया। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद इनकी टफनेस की बात करी जाए, कितनी टफ है। तो टफनेस हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर हम किसी ब्रिक को 1 m की हाइट से फ्री फॉल करें, मतलब जोर से फेंकना नहीं है, अगर फ्रीली फॉल करवाएं 1 m की हाइट से तो उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, वो पीसीज में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर वो सस्टेन कर जाती है वो 1 m की हाइट से ब्रिक, तो हम कह सकते हैं ये इनफ टफ है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्रिक, राइट। इसके बाद इसकी हार्डनेस को भी चेक कर सकते हैं, कितनी टफ है हमने चेक कर लिया, कितनी हार्ड है ये भी चेक कर सकते हैं, मतलब इसमें अगर हम स्क्रैच की कोशिश करें, अगर फिंगर ले फिंगर नेल से स्क्रैच करने की कोशिश करें ब्रिक में, तो हमें कोई भी मार्किंग नहीं दिखनी चाहिए ब्रिक्स पर। अगर हमें मार्किंग दिखती है
तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं है, और अगर हमें मार्केट नहीं दिखती है तो हम उसको देख सकते हैं कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है। फाइनली हम एक चीज देखते हैं ब्रिक्स के रिस्पेक्ट में, वो होते हैं उसके एल्कली परसेंटेज कितनी है उसके अंदर। जनरली आपने देखा होगा अगर जब ब्रिक वॉल बनती है तो उसमें व्हाइट कलर का ये फोम या कॉटन लाइक्स ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये हम देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसे एफ्लोरेंस कहते हैं, राइट। तो इसे हम कहते हैं एफ्लोरेंस, भी व्हाइट कलर का फॉर्म होता है। तो ब्रिक को ये शो नहीं करना चाहिए, अगर कोई ब्रिक ये एफ्लोरेंस शो करती है तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स यहाँ पे यूज नहीं की गई हैं। और ये किस लिए होता है, ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कली मैटर्स। तो जो एल्कलीज होती हैं ब्रिक की सॉइल के अंदर, वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हमें इस टाइप का एफ्लोरेंस देखने को मिलेगा किसी भी पर्टिकुलरली ब्रिक्स में। तो ये ब्रिक की क्वालिटी डिपेंड कर जाती है इसके अंदर, कि अगर एल्कली ज़्यादा है तो एफ्लोरेंस वो शो करेगा, और ये ब्रिक की क्वालिटी के रेस्पेक्ट में अच्छी बात नहीं है। तो एक आइडियल ब्रिक को एफ्लोरेंस शो नहीं करना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि ब्रिक की क्वालिटीज़ के बारे में, और उनकी ब्रिक्स क्या होती है, कैसे फॉर्मेशन होती है। इसे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई कर सकता हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय।